नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित एक धर्म सभा के दौरान उत्तर भारत के लिए बड़ा संदेश दिया। भारत में घटती हिंदुओं की आबादी की बात हो या फिर दूसरे संप्रदाय की तादाद बढ़ने का मामला हो, तमाम मसलों को लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप रखा। जहाँ आधुनिक शिक्षा पर सवाल खड़े किए, वहीं हरियाणा के मेवात में हिंदू दांतों के बीच जीव की तरह रह रहे हैं, यह बात कहकर भी कई सवाल खड़े कर गए। देश की चार पीठों में से एक ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यहां तक बताया कि जब वह लोगों के बीच पहुंचे तो मेवात के लोगों ने यहां तक कहा कि उनको इजरायली तक कहा जा रहा है। जिस तरह से फिलिस्तीन के बीच कुछ इजरायली रहते हैं, मेवात के हालात कुछ इस तरह के बताए गए हैं। देखिए, हम तो हरियाणा आए हैं और इसीलिए सबसे पहले यहाँ आए हैं, क्योंकि हरियाणा के नाम में ही हरि का दर्शन हो रहा है। तो अब तो हम हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में जा रहे हैं और सब जगह जिस तरह से भगवान की भक्ति और श्रद्धा लोगों के बीच में देख रहे हैं, उससे बड़ी मन में प्रसन्नता हो रही है। अभी रेवाड़ी आए हैं, अब यहाँ के लोगों से मिलेंगे, आनंद होगा। गुरु जी, हरियाणा का दौरा करने का क्या उद्देश्य है? जो अभी तक वैसे शंकराचार्य जी मठ से बाहर बहुत ही कम आते हैं, विशेष आयोजनों में आते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको दौरा करना पड़ रहा है हरियाणा का? देखिए, हम हरियाणा के दौरे पर इसलिए निकले हैं कि हमारा ज्योतिष पीठ पर जब अभिषेक हुआ तो हमने सोचा कि अपने क्षेत्राधिकार को देखना चाहिए, कहाँ कहाँ तक हमारा क्षेत्राधिकार है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने भारत में चार दिशा में चार शंकराचार्य पीठ बनाए हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका शारदा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। और भारत को चार भागों में बांट दिया है उन्होंने, क्षेत्राधिकार बांट दिया है। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो दक्षिण के शंकराचार्य जी देखते हैं, इसी तरह से पूर्व और पश्चिम के शंकराचार्य पूर्व और पश्चिम का क्षेत्र देखते हैं। उत्तर के जो शंकराचार्य हैं उनका उत्तर भारत पूरा क्षेत्राधिकार होता है धर्म का। तो हमने सोचा अपने क्षेत्राधिकार को हम पहले देखें, लोगों के पास जाएं, वहाँ सनातन धर्मियों को अपने धर्म का पालन करने में क्या समस्या आ रही है और क्या उनके लिए करने की आवश्यकता है। जब तक उनके पास नहीं जाएंगे तब तक हम समझेंगे नहीं, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उनके लिए कोई भी ना तो योजना बना सकते और ना तो उनका कोई सहयोग कर सकते। तो हम स्वयं निकले हैं और निकल करके प्रत्येक जिले में पहुँच रहे हैं और वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करके उनकी धार्मिक समस्याओं को जानना और समझना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम सनातन धर्मियों के लिए एक अच्छा सहयोग योजना बना करके प्रदान कर सकें। बहुत अच्छी बात है कि आप सनातन धर्म को जानने के लिए बाहर निकले। सबसे बड़ी बात है कि अब जो हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है उसके बारे में क्या? देखिए, ये भी एक समस्या है हिंदुओं की, जो बहुत सारी समस्याएँ हैं उनमें एक ये समस्या है कि उसको ये कह दिया गया कि आप कम बच्चे पैदा करिए, हम दो हमारे दो का नारा दे दिया गया और उसको अपनाने का काम केवल हिंदुओं के जिम्मे कर दिया गया, बाकी लोगों के बारे में वो बात नहीं रखी गई। परिणाम यह है कि हिंदू कम होता जा रहा है और बाकी बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है आप जानते हैं, इस समय पूरे विश्व में जो शासन सत्ता है वो सिर की गिनती से होती है कि कितने लोग हैं, जिसके ज़्यादा लोग हैं उसकी ज़्यादा भागीदारी सत्ता में हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी संख्या घटाई चली जा रही है। कभी हमारे पूर्वज शतपुत्रवती भव बहुपुत्रवती भव का आशीर्वाद देते थे, आज हम वो आशीर्वाद ही नहीं दे सकते अपनी बहन को, अपनी बेटी को। तो ऐसी परिस्थिति जो हो गई है, क्यों हो गई है? क्योंकि बच्चा तो हम उत्पन्न कर लें लेकिन बाद में उसको पढ़ाना लिखाना कठिन हो गया है। पहले हमारे देश में सनातन धर्म के अंदर शिक्षा प्रणाली गुरुकुल की थी। गुरुकुल की विशेषता ये थी कि माता पिता को बच्चे के परवरिश में और पढ़ाई में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था, गुरुकुल में ले जा करके दे देते थे और गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंक का बेटा हो, दोनों गुरुकुल में समान रूप से रह करके एक ही शिक्षा को प्राप्त करते थे, एक ही भोजन करते थे। राम भी गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े,
और जिस गुरुकुल में ये पढ़े उसी गुरुकुल में सुदामा भी पढ़ता था। तो कहने का मतलब यह है कि अभिभावकों के ऊपर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भार नहीं होता था, इसलिए उनको बच्चा पैदा करने में समस्या नहीं होती थी। अब बहुत बड़ा भार हो गया, एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना कठिन हो गया तो दो को चार को कैसे पढ़ा सकेंगे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये जो परिस्थितियाँ बदली हैं, इन बदली परिस्थितियों का ये परिणाम है कि हमारी संख्या कम होती जा रही है, और संख्या के कम होने का परिणाम जो है वो बड़ा भयावह है। हाँ जी, वहाँ पर ये जो संख्या की कमी के कारण क्या क्या समस्या आती है, बाकी भारत के लोग इसको नहीं समझ सकेंगे। अभी हम जहाँ से चले आ रहे हैं आपकी रेवाड़ी में, नूह मेवात से, वहाँ हम गए, वहाँ के हिंदू हमसे मिले, महिलाएं हमारी माताएं बहनें भी मिलीं, हमारे भाई लोग भी मिले, बच्चे भी मिले, हमने सबसे संवाद स्थापित किया और हमने देखा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कम क्यों हैं और दूसरे लोग ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा हैं और उनसे उनको समस्या है। तो जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे बेचारे वो रह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको कहते हैं कि आप लोग इजराइल वाले हो, फिलिस्तीन के बीच में आकर के रह रहे हो, तो उनकी बड़ी कठिन स्थिति है। तो कम संख्या हो जाने पर कैसे डर करके जीना पड़ता है और कैसे अपने रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना पड़ता है, बच्चों को बच्चियों की अस्मिता की रक्षा के लिए भी हर समय माता पिता के मन में चिंता रहती है, ये चीज़ वहाँ हमने देखी। तो ये एक जगह पर देखी, आगे अगर यही परिस्थिति बनी रही जनसंख्या के संदर्भ में तो ये और क्षेत्रों में भी यही सब देखना पड़ेगा। तो ये सब अब संदेश तो हम बाद में देंगे, पहले हम सब समझ रहे हैं, समझ करके हम एक अच्छी योजना बनाएंगे, क्योंकि हम छोटी काम नहीं है हमारा। अगर पूरे भारत में देखें तो 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं, और अगर हमारे क्षेत्राधिकार में देखें तो 25% भारत चार भागों में बांटने पर हमारा है, मतलब 25 करोड़ तो सीधे सनातन धर्मी हमसे जुड़े हुए हैं, और उनका पूरा भविष्य, उनका पूरा स्वाभिमान, उनका सीधा लोक परलोक, वो उसका नियंत्रण कहीं ना कहीं दायित्व तो हमारा है, हम करें ना करें। तो ऐसी स्थिति में पूरा एक बार हम सब जगह भ्रमण करेंगे, सब से संवाद स्थापित करेंगे, सब नोट करेंगे और फिर बैठ करके विशेषज्ञों के साथ एक अच्छी योजना बनाएंगे और उसको लेकर के हम आएंगे, अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। आपने देखा किस तरह से तमाम सवालों पर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से उत्तर भारत के 12 राज्यों में जाकर सनातन धर्मियों के बीच किस तरह की समस्याएं आ रही, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उसके बाद समाधान भी निकाला जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सनातन धर्म सबसे पुराना व श्रेष्ठ है, इसकी शुरुआत व अंत नहीं है, इसका नाम सनातन इसलिए कि इस धर्म का कभी अंत नहीं होगा।